खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जनचुंगी। हम ललितपुर मुख्यालय के सदर कोतवाली के सामने शिक्षक रैन बसेरा में हैं। यहाँ पर आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ब्लड परीक्षण, निःशुल्क ब्लड परीक्षण का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार जी IPS अधिकारी रहे, तो वहीं महावीर नेत्र चिकित्सालय के अध्यक्ष अरविंद कुमार जैन और बुंदेलखंड विकास सेना के प्रमुख हरीश कपूर टीटू सहित हमारी संस्था के संरक्षक श्री BK अग्रवाल भी इस आयोजन के मंचासीन रहे। आयोजन में ब्लड ग्रुप का परीक्षण निःशुल्क किया गया, तो वहीं विशाल रक्तदान शिविर के अंतर्गत आज के इस आयोजन का शुभारंभ माननीय पुलिस अधीक्षक ने रक्तदान करके किया, तो वहीं पत्रकारों में संजय अवस्थी और लकी चौधरी ने भी अपना एक एक यूनिट रक्तदान किया। इसी रक्तदान शिविर में अनेक रक्तदाताओं ने रक्तदान किए और आयोजन के महत्ता को और रक्तदान करने की महत्ता को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि हर एक मानव स्वस्थ, जो मानव होता है उसके शरीर में जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, अगर वह एक बार रक्तदान करता है तो किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 साल से 60 साल से कम उम्र के लोग रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने से जहाँ लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो वहीं जो रक्तदाता है उसकी भी स्वस्थ और उसका सेहत पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और बेहतर सेहत होती है। रक्तदान करने वाला हमेशा स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, ऐसा पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में कहा। रक्तदान शिविर पर अनेक जो शिक्षक रैन बसेरा है वहाँ पर अनेक लोगों ने रक्तदान किया और रक्तदान करते समय सबको गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस आयोजन की सफलता के साथ साथ अन्नपूर्णा सेवा संघ, जो इस आयोजन का आयोजक करता है अन्नपूर्णा सेवा संघ, जो विगत 5 वर्षों से जिला हॉस्पिटल के कैंपस में सुबह और शाम दोनों टाइम लोगों को 300 से 400 की संख्या में निःशुल्क भोजन कराता है, तो वहीं अभी कोरोना महामारी के दरमियान निःशुल्क ऑक्सीजन भी लोगों को, ज़रूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन दी गई, तो वहीं एम्बुलेंस सेवा का भी अन्नपूर्णा सेवा संघ ने शुभारम्भ कर दिया है। इस तरह से समाज सेवा के पर्याय बन चुके अन्नपूर्णा सेवा संघ। उसके संरक्षक BK अग्रवाल और उसके अध्यक्ष अमित प्रिय जैन और उनकी टीम बॉबी जगदीश सिंह और बॉबी सरदार और रावत जी, ताम्रकार जी, अनेक लोग, आप देख सकते हैं कि रक्तदान शिविर में अनेक लोगों का, शहर के गणमान्य लोगों का आगमन हुआ और समापन वेला पर स्नेह भोज भी दिया गया। रक्तदाता रक्तदान कर रहे हैं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक इस आयोजन का आगाज चला। लोगों ने आकर यहाँ पर रक्तदान किया और जो हमारा जिला अस्पताल है, ब्लड बैंक है, उसके अंतर्गत भाई बालमुकुंद लैब टेस्टियन और उनकी टीम उनके साथ है और बारी बारी से सभी रक्तदाताओं का रक्तदान करा रही है। तो उसके पूर्व रक्तदाता का ब्लड परीक्षण होता है कि वह किस ग्रुप का है। इस तरह आज विशाल रक्तदान के अंतर्गत अनेक लोगों ने अपना रक्तदान देकर मानव सेवा के क्रम में जुड़े और पुलिस, पत्रकार, अधिवक्ता, व्यापारी और युवा वर्ग ने भी रक्तदान किया। महिलाएं भी इस रक्तदान शिविर में पीछे नहीं, उन्होंने भी आकर अपनी भागीदारी की और रक्तदान किया। कुल मिलाकर अन्नपूर्णा सेवा संघ ललितपुर की समाज सेवा की एक मिसाल बनती जा रही है। ललितपुर लाइव TV से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। और हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट भी किया, कहीं क्योंकि आपने जब भी हमसे कोई बात कही तो हमने भी इसको पूरी तरीके से माना। आज जो ये रक्तदान कार्यक्रम है, इससे बड़ा कोई दान आप किसी को नहीं दे सकते अपने जीवन में। धन, पैसा, जमीन, ये सब बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप अपना ब्लड दे रहे हैं किसी को, उसकी जान बचा रहे हैं, तो इससे बड़ा दान मैं नहीं मानता कि कोई है। और लोगों को भी आगे आकर, चाहे किसी भी महीन से भी हो, जो एक एज ग्रुप है 18 से लेके, जैसा ही बता रहे हैं अमित के पिताजी, 63-61 साल तक दिया उन्होंने, तो एक हमारी लिमिट सेट हो गई कि अब 60 साल तक तो देना ही है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार मैंने ब्लड दिया था तो कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, आई थिंक 19 साल की एज थी,
तो जो एक टैबू होता है, जो एक लोगों में एक वो रहती है अज्ञानता, इसको बोल लीजिए, वो भी था हमारे घर में भी था, सभी जगह होता है। आपको भी हुआ था, बता रहे हैं कि जब पहली बार मैं ब्लड दे के घर गया तो मम्मी और पापा इतने नाराज हुए और बहुत ज़्यादा मेरे को सुनाया कि तुमने क्यों दिया, किससे पूछ के दिया, क्यों कहाँ दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर काफ़ी दिनों तक नाराज भी रहे। तो वो मुझे लगता है सबके साथ होता है घर में, बट उसको दूर करने के लिए हमें ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहने चाहिए। और पत्रकार बंधुओं से भी ये निवेदन रहेगा कि ऐसी सक्सेस स्टोरीज ऐसे लोगों के बारे में बताते रहें कि जो लोग हर 6 महीने में, साल में 3-3 चार-चार बार, 71 बार जो आपने डोनेट किया है, इसके लोगों के बारे में प्रचार करें, इससे कोई किसी की हेल्प पे और कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हो सकता है। क्योंकि जो मानव ब्लड है वो हर 3 महीने में 6 लीटर हमारी बॉडी में होता है, अगर उसमें से आप 200 टीम्स दे भी देते हैं तो वो 3 महीने के अंदर दोबारा वापस बन जाता है और उससे कोई कहीं दिक्कत भी नहीं आती है। इनफैक्ट ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने का एक रीज़न ये भी है कि आपका जब ब्लड निकलता है तो जो आपकी बोन मैरो है वो एक्टिव रहती है। अगर आपकी बॉडी में 6 लीटर ब्लड है और वही 6 लीटर ब्लड घूमता रहेगा तो उसमें आपके कोलेस्ट्रॉल की सारी चीज़ें बढ़ती रहेंगी, बट आप जब डोनेट करते हैं फ्रीक्वेंटली तो आपकी बोन मैरो एक्टिव रहती है, नया ब्लड बनता है और उससे कई फायदे आपकी बॉडी के लिए भी होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग अगर देखें, प्रचार प्रसार जागरूकता अगर फैलाएं तो बड़ा फायदेमंद रहेगा लोगों के लिए। और मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि हमारे पुलिस लाइन में भी हो और लोग जितने हमारे पुलिसकर्मी हमारे यहाँ पे 1500 लोग हैं सबको एक बार मोटिवेट करके सबसे बताया भी जाए कि ये लोग भी ब्लड डोनेट करें, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी 300 की है और मैं चाहूँगा कि 300 हमेशा ही भरा ही रहे, कभी खाली ना रहे। और हमारे पुलिस वाले, हमारे प्रशासन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके एक्टिव मेंबर बने और हमेशा जरूरत पे सभी की काम है। नहीं, मुझे कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा बुलाने के लिए, मुझे हर बार बुलाने के लिए, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.